हेलो एवरीवन आज अपन एक नई सीरीज़ के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं जैसे आपको पता है कि हमारी एक बहुत ही एक नया इनिशिएटिव है जो आपको इतना इजी और इतना हेल्पफुल आपको रहेगा एग्जाम्स के लिए तो आज हम देखते हैं रोलिच हम नया ना कुछ ना कुछ हम लोग एक नए माइंड मैप के साथ आते हैं जहां आपको नोट्स के साथ में फुल डिटेल्स के साथ में हम बात करते हैं तो आज हम बात करते हैं एक आपके इंडिया इसराइल रिलेशन की ये अगर आप देखा जाए तो आपके जीएस पेपर टू सिलेटेड है जहां पे आई आर सिलेटेड है तो देखिए हम कैसे बात करते हैं कि इंडिया और इसराइल रिलेशन के, के बारे में तो आज हम इसमें जो बात करेंगे वो है कि हमें इस न्यूज़ के बारे में क्या जानना है मिन्स इंडिया इसराइल रिलेशन के बारे में अभी ये क्यों इतना चर्चा में है क्यों हम इसकी अभी रिसेंटली बात कर रहे हैं ऐसा क्या हुआ था दूसरा ये जो विजिट थी अगर कुछ विजिट हुई है किसी मिनिस्टर्स की तो उसकी हाईलाइट्स क्या थी कि ये जो विजिट हुई है उनकी उसके बीच में क्या किया है उसके साथ में हम करेंगे हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं तो इसराइल के साथ में हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन जो इतने सालों से चले आ रहे हैं वो किस प्रकार के हैं और अब इस मीटिंग के बाद में हम क्या चेंजेस हम इसमें लाने ला रहे हैं या हम अब क्या सोच रहे हैं तो इसके बाद में हम करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इंडिया इसराइल रिलेशनशिप राइट तो सबसे पहले कि ये क्यों चर्चा में है तो देखिए सबसे अभी रिसेंटली के अंदर इसराइल की जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है ये और हमारे यहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं विजिटेड इंडिया एंड हेल्ड उन दोनों के बीच में जो है एक बायोलिट्रल मीटिंग जो है उन दोनों के बीच में हुई है अब हम एक थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं जैसे कि आपको पता है मेरी क्लास में हमेशा एक मैं वर्ड बोलती हूँ कैच द की वर्ड तो यहाँ पे इस की वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि जब हम डिफेंस का नाम ले रहे हैं इसका मतलब ये जो वार्तालाप हुई है ये जो एक एग्रीमेंट शायद इन दोनों के बीच में साइन हुआ होगा तो नो डाउट फोर डिफेंस को लेकर हुआ होगा तभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर के साथ में मीटिंग हुई है राइट अब देखिए इसके फीचर्स क्या थे इसकी विजिट के जो ये विजिट हुई है तो ये एक जॉइंट डिक्लेरेशन था जहां पे दोनों मिनिस्टर्स ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन किया है और 30 सालों के लिए जो है हमारे जो रिलेशन चल रहे हैं उसके बारे में बताया है और ये रिलेशन में कमिटमेंट है कि दोनों कंट्रीज जो है किस टाइप से आपके डिफेंस के साथ में जो है एक दूसरे के अंदर एक रिलेशनशिप हम लोग बना रहे हैं अब इंडिया इसराइल विजन को हम अगर देखें डिफेंस के कॉपरेशन के साथ में तो दोनों साइड से जो है इंडिया और इसराइल विजन जो है आपका डिफेंस कॉपरेशन टू फर्दर स्ट्रेंथिंग द एग्स्टिंग फ्रेमवर्क टू द इंडो इसराइली डिफेंस को आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर इस हिसाब से हमारे जो दोनों के साथ में जो हमारे इसराइल के जो रिलेशन हैं डिफेंस को लेकर की वो हमारे और भी स्ट्रेंथ हो जाएंगे और भी स्ट्रॉन्ग जो हैं हमारे रिलेशन हो जाएंगे इसके लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो एक्सचेंज किया गया है लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब होता है कि जब हम एक किसी से हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मली जो हम बात करते हैं तो एक वर्बल बात होती है क्वाइट पॉसिबल कि हम उसमें से कुछ पॉइंट्स भूल जाए कि या कोई मुकर जाए कि हाँ आपने कब ऐसी बात की है तो इंटेंट का मतलब होता है कि एक आदेश पत्र जो हम कहते हैं कि जो भी चीज होती है वो एक डॉक्यूमेंटेशन की एक रिटर्न फॉर्म में होती है तो ये जो वार्तालाप हुई है उसके लिए हमने एक जो लेटर साइन हुआ है उसको हम बोलते हैं अ लेटर ऑफ इंटेंट ये एक्सचेंज हुआ है जो ये बता रहा है कि हम दोनों में इन फ्यूचर के अंदर जो है हम लोग एक डिफेंस टेक्नोलॉजी हम एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करेंगे मिस जो हमें आता है हम उनके साथ में शेयर करेंगे वो हमारे साथ में शेयर करेंगे तो इस टाइप का हमने एक इंटेंट लेटर को जो हमने एक्सचेंज किया है उसके साथ में बायलैटरल कॉपरेशन दोनों के साथ में किया जाएगा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेक इन इंडिया विजन के साथ में किया है नेक्स्ट है ने आपका मिलिट्री टू मिलिट्री एक्टिविटीज जो है यहाँ पे की जाएगी मिलिट्री मिलिट्री एक्टिविटीज का मतलब हो रहा है जैसे हम बताया कि हम आ, किसी भी देश के साथ में जब हम लड़ाई करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हम पहले से हम कुछ एक्साइज करते हैं कि हाँ एक फ्यूचर कभी भी ऐसे कुछ सिचुएशन होती हैं तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहते हैं तो यहाँ पे जो आपका इंटेंट ऑफ एक्सचेंज हुआ है तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये क्योंकि डिफेंस रिलेटेड है तो मिलिट्री टू मिलिट्री एक्टिविटीज जो है दोनों देशों की यहाँ पे साथ में की जाएगी

हम जो मेन जो करेंगे वो करेंगे आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर हम इसके अंदर फोक, फोकस करेंगे कि हम फ्यूचर के अंदर जो हम टेक्नोलॉजी हम किस टाइप की ला के आ सकते हैं नेक्स्ट तो है एक्लोजमेंट ऑफ म्यूचुअल सिक्योरिटी चैलेंज भी हम साथ में करेंगे सीधी सी बात है भी जब हम डिफेंस की हम बात करते हैं तो हम एक म्यूचुअल सिक्योरिटी भी करते हैं कि हाँ भाई आपके अगर कुछ भी कैसी कंडीशन हो जाती है तो हम आपको एज अ सिक्योरिटी भी हम उसके करेंगे देखिए कोई भी देश होता है कहीं से भी होता है जैसे हमें भी कहते हैं कि हमें दूसरी जो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है पाकिस्तान है चाइना है सबसे है इसराइल को भी अपने उनसे है तो इस टाइप से एक म्यूचुअल सिक्योरिटी के साथ में हम दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे गो द मिनिस्टर्स एक्नोज म्यूचुअल सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड दे आर कवर्जेज ऑन अ नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक डिफेंस इशूज दे एक्सप्रेस्ड कमिटमेंट टू वर्क टूगैदर और इन्होंने ये कमिटमेंट किया है कि दोनों जो है साथ में काम करेंगे और उसके साथ में किसी भी फॉरम पे जो है एनहांस करेंगे तो ये तो थे कि अभी हम लोग जो ये जो, 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 जो डिक्लेरेशन हुआ है जैसे हम लेटर ऑफ इंटेंट जो हमने एक्सचेंज किया है उसके कुछ पॉइंट्स अब हम देखते हैं कि अगर हम पहले का जाते हैं कि हमारे जो इतने सालों से जो हमारे रिलेशन चले आ रहे हैं इंडिया इसराइल के साथ में वो किस तरह के थे तो देखिए अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन की हम बात करते हैं तो ये हमारे आज के नहीं है बहुत सालों पहले से इंडिया के साथ में हमारे इसराइल के रिलेशन आ रहे हैं ऑफिशियली so, रिकोगनाइज हम करें तो इसराइल के साथ में उन्नीस से जो है हमारे रिलेशन बने आ रहे हैं दू कंट्रीज एस्टेब्लिश फुल डिप्लोमेटिक टाइज ओनली 1992 मतलब हमने जो एक ऑफिशियली हमने रिकॉगनाइज किया है इसराइल को वो उन्नीस सौ पचास में हमने किया था लेकिन अगर हम देखते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन के बारे में तो वो हमारे बने हैं आपके जनवरी उन्नीस सौ बयानवे से या नाइनटीन नाइनटी टू से एज अबर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी इंडिया वॉज अमंगी फोर यू एन में अभी दिसंबर 2020 के बाद में अगर हम बात करते हैं इंडिया के साथ इसराइल के रिलेशन के साथ में तो इंडिया जो है आपके यू एन मेंबर्स में वन सिक्सटी फोर में जो कि आपके इसराइल के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रहा है तो हम एक अंदाजा लग सकता है कि इसराइल अभी इस उभरती हुई अर्थव्यवस्था ऐसी है जहां पे साइंस एंड तो टेक्नोलॉजी जिसने बहुत एडवांस कर लिया है अभी आपको याद होगी थोड़ी देर मैंने पहले भी आपको बताया था जब पी की जो मैं आपको न्यूज आप पढ़ा रही थी कि किस टाइप से हमारे तीन साल का एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें हमने एग्रीकल्चर के साथ में भी उनके साथ में किया है कि नेक्स्ट थ्री इयर्स में भी एग्रीकल्चर के साथ में हमें वो कैसे टेक्नोलॉजी में शेयर करेगा तो डिकेट इस की इसराइल जो है अभी करंट स्टेटस के अंदर वो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था के सामने सामने आ रहा है अगर हम इसकी बात करें अलग अलग सेक्टर्स की जहां पे हम इसके साथ में कॉपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो पहले जो हम देखते थे तो था 1992 के अंदर हमारे हैं क्योंकि डिफेंस को अब हम इंक्लूड कर रहे हैं लेकिन डिफेंस से पहले जैसे हमारा इकोनॉमिकल है पॉलिटिकल है या डिफेंस है कॉपरेशन एग्रीकल्चर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है सिर्फ उनकी अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी जो हमारी ट्रेडिंग जाती थी वो जाती थी आपकी फोर बिलियन मिस एक अंदाजा लगा सकते हैं कि

डायमंड uh, के ऊपर तो देखिए मतलब कितना सारा अगर हम इकोनॉमिकली ट्रेड की हम जब बात करते हैं तो टोटल ट्रेड की जो हम बात कर रहे हैं वो 4 .4, जा रहा है आपका फोर पॉइंट फोर फोर्टीन बिलियन जा रहा है दूसरा हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक डायमंड की हम बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो है आपका मोर देन 50 परसेंट ट्रेडिंग जो है हमारी हमारी डायमंड की यहीं से हो रही है उसके साथ में अगर देखते हैं तो इंडिया इसराइल थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इन एशिया एंड सेवंथ लार्जेस्ट ग्लोबली मीन्स इसराइल के साथ में अगर हम ट्रेड पार्टनरशिप की बात करते हैं तो ये थर्ड लार्जेस्ट है पूरे एशिया के अंदर जिसके साथ में हमारे ट्रेडिंग होती है और ग्लोबली अगर हम देखे जाते हैं तो सेवंथ लार्जेस्ट आपका है जिसके साथ में इंडिया और इसराइल के साथ में जिसकी रिलेशनशिप है इसराइली कंपनीज भी जो हैं बहुत जिस तरह से हम उनके साथ में इंटरेस्ट ले रहे हैं इसराइल की कंपनी का भी उतना ही इंटरेस्ट है जैसे मैंने अभी बताया कि अभी तीन साल पहले भी जो है इंडिया और इसराइल के अंदर एग्रीमेंट हुआ था टेक्नोलॉजीज को लेकर के हुआ था बहुत सारी चीजों को लेकर के हुआ था तो जहां हम उनके साथ में इतना एक इंटरेस्ट शो कर रहे हैं उनके साथ में रिलेशन की इसराइल का भी हमारे साथ में उतना ही है अगर आप देखेंगे कि बाहर इसराइल ने भी यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत सारा जो है इन्वेस्टमेंट कर रखा है चाहे हम एनर्जी सेक्टर की बात करें या रिन्यूबल एनर्जी सेक्टर की बात करें टेलीकॉम की हम बात करें रियल स्टेट हो गया आपका वाटर टेक्नोलॉजीज हो गया मिस रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हो गया किसी भी सेक्टर के अंदर जो है इजराइल ने यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत अच्छा वाला जो है इन्वेस्टमेंट कर रखा है इंडिया इज ऑल्सो इन डायलॉग विद इजराइल फॉर द कंक्लूडिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और भारत जो है वो भी चाह रहा है कि जो हमारी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके साथ में चाह रहा है डिफेंस की अगर हम बात करते है, तो Israel, India, हैं तो इंडिया इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स फ्रॉम द इजराइल विच इन टर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर टू इंडिया जैसे मैं बताया कि अधिकतर जो है मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो है हम लोग रशिया से लाते हैं लेकिन रशिया के बाद में अगर हम सेकंड नंबर पर हम देखें कि जिस देश के साथ में हम मिलिट्री इक्विपमेंट्स मंगवाते हैं तो आपका इजराइल मीनस नंबर वन इज रशिया सेकंड नंबर आपका आता है आपका इजराइल जहां से हम मैक्सिमम जो है आपके मिलिट्री इक्विपमेंट्स हम वहां से मंगवाते हैं इंडियन आर्म फोर्स है इंडक्टेड एरिया ऑफ इसराइली वेपन हमारे यहाँ पे बहुत सारा है सिस्टम ओवर द दिच रेंज फ्रॉम अगर हम बात करें कि कौन कौन से मिलिट्री जो है हम से मंगवाते हैं इक्विपमेंट्स मंगवाते हैं तो उसमें आपका एयरबोन वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जिसको हम फेलकॉन बोलते हैं फेलकॉन ए डब्ल्यू ए सी एस हिरॉन आपका हो गया सर्च सेकेंड हो गया हेरोप ड्रोन्स हो गया टू द बारक जो आपका एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए है स्पाइडर क्विक रिएक्शन एंटीक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तो ये कुछ है आपके कुछेड मुनिशियर बॉर्न तो इतने सारे जो है आपके जो एक हैवी जो मिलिट्री इक्विपमेंट हम जो कह सकते हैं तो हम वहीं से हम लोग मंगवा रहे हैं और 15 ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप जो है आपका जेडब्लू जी ट्वेंटी ट्वेंटी वन इस टाइप के क्वेश्चन आपके कई बार पिलिम्स में आपके कई बार पूछे जाते हैं मीटिंग ऑन बायोलेटल डिफेंस ऑपरेशन हुई थी जहां पे दोनों देशों ने बताया एक टास्क फोर्स बनाई थी टू फॉर्मलेटर कम्प्रहेंसिव टेन ईयर रोड मैप टू आइडेंटिफाई न्यू एरिया ऑफ कॉपरेशन की मीन हम जब दोनों एक दूसरे के कॉपरेशन के साथ में करेंगे तो पिछले आगे आने वाले दस सालों का उन्होंने अभी से एक मैप बना लिया है जैसे मैंने कहा कि पिछले तीन साल पहले जो हमने एक रोड मैप बनाया था कि हम कैसे एग्रीकल्चर के अंदर हम एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे तो इस टाइप का रोड मैप जो है हमारे दस साल का हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की कॉपरेशन एग्रीकल्चर के अंदर तो देखिये मे का आपको बता रही थी मैं और जो मैंने आपको पीआईबी की क्लास में ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं थ्री वर्क प्रोग्राम हम बनाए हैं जो कि डेवलपमेंट एग्रीकल्चर कॉपरेशन वॉज साइन जैसे हमें पता है कि हम एक जीरो बजट उस पर चल रहे हैं नेचुरल बजट एग्रीकल्चर पे चल रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे चल रहे हैं और इस कोविड के दौरान हम बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है कि हम कैसे एक नेचुरल फार्मिंग पे हम लोग फोकस कर रहे हैं और नेचुरल फार्मिंग के लिए पता है कि एक भारत एक ऐसा देश है जो कि एक कृषि प्रधान देश है या एक एग्रीग्रेन कल्चर यहाँ की इकोनॉमी है और ऐसे के अंदर अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ में अगर हम और जुड़ जाते हैं तो नो no डाउट हमारी प्रोडक्टिविटी जो है और इंक्रीज हो सकती है और जो हमारे एक टारगेट है कि 2022 के अंदर हमारे फार्मर्स की इनकम को हम डबल करना है तो वो हमारा बहुत जल्दी हमारा गोल अचीव हो सकता है इसके साथ में द प्रोग्राम एम टू ग्रो एग्जिस्टिंग सेंटर्स ऑफ द एक्सीलेंसी भी हमने एक प्रोग्राम किया है जो कि बता रहा है नए जो हैं हम यहाँ पे खोलेंगे इंक्रीज दी ओ वैल्यू चेन ब्रिंग द सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंसी इन टू द सेल्फ सफिशियंट मोड एंड एनकरेज प्राइवेट सेक्टर्स को भी हम इसके साथ में लेकर आएंगे और कोलोब्रेशन के साथ में लेकर के आएंगे तो ये हमने देखा इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशन हमारे इंडिया के साथ में इसराइल के साथ में कैसे है मीन आफ्टर नाइनटीन जो है इतने सालों के अंदर नाइनटी के बाद में अभी आपका दो चल रहा है तो इस बीच हमारे जो रिलेशन हैं चाहे हम डिफेंस की बात करें इकोनॉमिक की बात करें या एग्रीकल्चर की बात करें अब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारे इंडिया के साथ में इसराइल की क्या रिलेशन है तो देखिए रिसेंटली एक्सपर्ट फ्रॉम इंडिया एंड ऑन द द वाइडिंग स्कोप ऑफ इंडिया इसराइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन फंड जिसको हम आई फोर एफ वी बोलते हैं मीनस जहां पे आई जो आपके फोर टाइम्स है तो एक बहुत ही इस टाइप से कभी कभी टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं मीनस एक टर्मोलॉजी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर

जिस क्योंकि 5.5 मिलियन यूएस डॉलर के साथ का इतना एक अमाउंट के साथ में रखता है तो क्रिएट बॉर्डर इंडिया के साथ में बना रहा है इसके साथ में जो आई एफ है वो एक ऑपरेशन है बिटवीन द दो देशों के बीच में ये बताएगा कि किस टाइप से हम एक जॉइंट इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को साथ में काम कर सकते हैं और जितने भी जो फोकस सेक्टर्स हैं जिस जिसपे हमें मोस्टली जो हमें फोकस करना है चाहे हम इंडिया की बात करें या इसराइल की बात करें उसको हमें कैसे उसमें फोकस करना है तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है साइंस

आपका पेरिस समिट का जो हमारा चल रहा है कि जहाँ पे ये है कि जितने भी जो है, जितने कंट्रीज हैं जितनी मेंबर कंट्रीज जिन्होंने पेरिस समिट के अंदर अपने साइन किए थे कि हम कैसे इस ग्लोबली जो एक क्लाइमेट एक्शन जो हमारा चल रहा है कि हमें एक ग्रीन हाउस गैसेस का जो इम्पेक्ट है उसको रिड्यूस करना है ताकि हमारा जो टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है वो करना है तो उसमें सब देश जो है अपने अपने कार्बन फुटप्रिंट्स अपने देते दे जा रहे हैं कि हाँ हमें कितना कम करना है और उसके अंदर नो डाउट जहाँ पे इसराइल इतना आ रहा है तो टेक्नोलॉजी में तो हम उसके साथ मिलकर के हम बहुत इसके अंदर आगे लेके आ सकते हैं क्योंकि दूसरी बात जो हम देते रहे हैं कि हमारी फॉसिल फ्यूल्स के उपहार हमारी डिपेंडेंसी को कम करना है सब देशों ने अपने टारगेट को दे दिया है बस हम जानते हैं कि इंडिया की स्टेटस अभी ऐसा है कि हम कोल के बिना हम नहीं कर सकते हैं तो हम नो no डाउट हम ये भी कर रहे हैं बहुत सारे आई एसओ को ज्वाइन किया है सोलर पैनल्स पे हम कर रहे हैं विंड एनर्जी पे हम फोकस कर रहे हैं और जैसे कि मैंने आपको बहुत बार क्लास में आपको बता चुकी हूँ कि हम हाइड्रोजन फ्यूल पे हम लोग फोकस कर रहे हैं और बहुत सारे इस पे कि हम कैसे बैटरी जो है प्रोडक्ट्स उसमें व्हीकल्स के अंदर हम आ रहे हैं ताकि कम से कम जो है हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को हम यूज करें और रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग ज्यादा यूज करें ताकि हमारी जितनी भी जो हम एक क्लाइमेट एक्शन के ऊपर हम जा रहे हैं उस सब मिट के पास में जाए और इसके अंदर इसराइल हमारी बहुत ही अच्छी हेल्प कर सकता है इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी इसके अलावा जो हम सोच सकते हैं कि और अदर वो क्या कर सकता है तो देखिए द टाइज बिटवीन द टू नेशनल हैव इन द पता कि 1992 से दोनों के जो है जो हैं हैं वो काफ़ी अच्छे आपके बनते जा रहे हैं और एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी जो है दोनों के साथ में आता जा रहा है इंडिया इज आर सिंपेथिक टूवर्ड्स इजराइल एंड द गवर्नमेंट इज बैलेंसिंग एंड द रिकलिब्रेटिंग इट्स वेस्ट एशिया पॉलिसी ऑन द प्रीमाइसिस नेशन इंटरेस्ट उसके साथ में जैसे हमें पता है कि भारत हमेशा एक मानवता के लिए माना जाता है और इसराइल का जिसे पता है कि आपके सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे किस टाइप की जिसकी कंडीशन जो आपकी थी तो उसके लिए भी हम आ, उनका काफी सपोर्ट हम कर रहे हैं एक नेशनल इंटरेस्ट के साथ में इंडिया एंड इसराइल नीड टू तो ओवरकम द वलेबिलिटी ऑफ द रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट नेबर्स जैसे हमारे आ, वहाँ पे भी जैसे इसराइल के पास में जो एक्सट्रीमिस्ट नेबर हैं सेम ऐसे हमारे जैसे, जैसे चाइना और पाकिस्तान के तो इस टाइप से एक्सट्रीमिस्ट नेबर्स जो हम एक दूसरे के भी हम इनके अंदर हेल्प हम कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज वॉटरेशन एक्सप्लोजर एंड फूडी मीन एक मेजर जो हमारे हम एक दूसरे को कॉपरेट कर सकते हैं मोर एग्रेसिव एंड द प्रोटेक्टिव प्रो एक्टिव मिडल ईस्टर्न पॉलिसी जो हमारी है नीड ऑफ द आर फॉर इंडिया टू रिपीट द मैक्म बेनिफिट ऑफ द जियो पोलिटिकल रिसाइनमेंट ग्रेजुअली बींग ब्रॉट इन बाय द अब्राम अकॉर्ड्स तो ये थे हमारे रिलेशन इंडिया और इसराइल के बारे में कि किस टाइप से 1992 से जो हमारे इंडिया के इसराइल के साथ में जो रिलेशन जो हैं वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और अब फाइनली हम लोग जहां हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो अब हम डिफेंस के साथ में भी जो है इसराइल के साथ में एक हमने जो लेटर हमने जो बनाया है लेटर ऑफ इंटेंट जो हमने साइन किया है कि अब नो डाउट कि अब हमारे पास में जहाँ एक, सिर्फ एक रशिया पे डिपेंड थे एक मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए अब हमें बहुत सारी इक्विपमेंट्स प्लस हमें इनके साथ में जो है बहुत सारी जो है हम एक सिक्योरिटी के साथ में भी हम शेयर कर रहे हैं तो ये था आज का आपका सेशन जो कि आपके आई से रिलेटेड था बहुत इंपॉर्टेंट था और काफी डिटेल के अंदर ये था और देखिए जहां मेंस की बात हम करते हैं मेंस के क्वेश्चंस की हम बात करते हैं तो आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ एक माइंड मैप बनाने से या सिर्फ एक आपके शॉर्ट आंसर बनाने से कुछ नहीं होता है कि अंटिलनेस आपको मेंस के नहीं लिखे और आपको ऐसा लगता है कि आप आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं टू हंड्रेड वर्ड्स या टू फिफ्टी वर्ड्स के अंदर तो इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास में है आप आंसर राइटिंग बैच को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं तो अभी ये लेटेस्ट बिल्कुल हमारा चल रहा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे सर बहुत ही मैजिकल ट्रिक से जो आपको सिखा रहे हैं और देखिए अगर आपने कितना ही अच्छा लिख लिया हो कितना ही पढ़ लिया हो लेकिन आप मेंस के अंदर जब तक आप एक आपकी जो स्किल है जो आपके आंसर जो आपको प्रेजेंटेशन है वो अच्छा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सारी खेल ही आपकी वहीं होती है जो मार्क्स में जो वेरिएशन आते हैं वो यही आता है कि आप मिनिमम वर्ड्स के अंदर अपना मैक्सिमम जो है अपना आउटपुट कितना दे सकते हैं तो उसके लिए आंसर राइटिंग बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही मिनिमम फीस के साथ में है और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन आपका ओपन हो चुका है 16 जून से हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है तो जिन्होंने अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दूसरा जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जैसे हमारे माइंड मैप भी चल रहा है उसके अलावा पी की क्लासेस भी चल रही हैं आज पी के अंदर मैंने आपको डाउन टू अर्थ की भी एक न्यूज बताई थी तो करंट अफेयर्स नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी के आप एस्पिरेंट हैं और आप चाहते हैं कि एक अच्छे से मार्क्स करना चाहते हैं तो आंसर राइटिंग और करंट अफेयर्स इनसे तो आप पीछे जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर आपका इतना डायनामिक है आपका एक स्टेटो डायनामिक जिसको हम वर्ड कह सकते हैं कि आप सिर्फ आप कितनी ही और ये 2021 का भी जो 22 का जो रिसेंट जो एग्जाम आया था उसने ये क्लियर कर दिया है कि सिर्फ एक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा अंटिलनेस आप करंट अफेयर्स से अपडेट नहीं रहेंगे तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं बहुत नॉर्मल फीस के साथ में ये बैच है जिसके अंदर मैं सारी जितनी भी जो आपकी जो गवर्नमेंट की जो आपकी साइट्स हैं या आपकी इकोनॉमिक सर्वे की हम बात करें या डाउन टू अर्थ है पीआईबी है जितनी भी जो आपकी लिटर है वो सारी मैं करवाती हूँ और वहाँ पे मेन सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपके सब्जेक्ट वाइज जो है आपके सेशन वाइज पेपर्स के अकॉर्डिंगली डेली की डेली आपको पढ़ाया जाता है और उनसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उससे रिलेटेड आपके डेली क्वेश्चंस भी वहां पे दिए जाते हैं कि उस न्यूज से रिलेटेड ताकि आप उस न्यूज को पढ़ सुनने के बाद में सेशन के एंड के अंदर आप देख सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड अगर आप कर रहे हैं आपको दिक्कत आती है कि नहीं मैम पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं तो डेली जो है हमारी जो नई जो हमारी साइट ऐप है उसके ऊपर आप जा सकते हैं उजान कैड्यू डॉट कॉम पे वहां पर ओटीपी पे आपके क्वेश्चन आते हैं ओटीपी को आप लॉग इन कर सकते हैं वहां पे आप आपके आंसर डाल सकते हैं तो देखिए इतने सारे फीचर्स उसके अंदर आपके हैं उसके बाद में तमिलनाडु हिस्ट्री का बैच हमारा चल रहा है जो कि आपकी फोर्थ जुलाई से स्टार्ट होगा बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीआर का बैच क्योंकि तो एनसीआर इज द कोर ऑफ योर सेशन कोई भी अगर आपने कोर आपका बेस स्ट्रांग नहीं हुआ एग्जाम के लिए तो वो कुछ भी नहीं हुआ तो तमिलनाडु सेशन जो है आपका हिस्ट्री से आप स्टार्ट कर रहे हैं सर जिसमें बीटेल मैथड से कर रहे हैं मीन्स बिटवीन द लाइन वर्ड्स को हमें समझना है कि एक लाइन के बीच का वो वर्ड आखिर कहना क्या चाह रहे हैं और एलडम लोमा नोट्स जो हमारे बनाएंगे मीन्स और उसके साथ में डेली लाइव क्विज भी होगा कि जितना भी आपका सेशन जो भी आपको पढ़ाया गया उससे रिलेटेड क्विज ताकि आपको एक मालूम कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कितना आपको मतलब एक सेल्फ एनालिसिस से आपका हो सकता है फीस बहुत ही नॉमिनल है सिर्फ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड है और ये बैच स्टार्ट हो रहा है आपके फोर्थ जुलाई से बाकी जो आपको डिटेल्स हैं तो आप कॉलर से आप बात कर सकते हैं उसके अलावा कॉन्सेप्ट बैच जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है जो स्टूडेंट्स आपके ऐसे हैं कि अभी ट्वेल्थ पास हैं और जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में आए हैं तो ये हमारा टू ईयर्स के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपके यू प्रम्स प्लस मेन्स सारी चीजें आपकी करवाई जाएंगी और जहाँ पे ना सिर्फ हम पढ़ा ही नहीं रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे आपके बिल्डिंग को हम फॉर्म कर रहे हैं तो आर द बैचेस जो आप अवेल कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं कितने शॉर्ट कोर्सेज और इतने अच्छे कोर्सेज मिस घर बैठे इतने सारे आपके कोर्सेज हैं तो ये था आज का सेशन जो कि आपकी आई से रिलेटेड था इंडिया रिलेशन के लिए कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ में चल रहा थैंक यू